हमारे साथ हैं नराया गांव से भगत वर्मा जी और कुमदास वर्मा जी। सब आप दोनों को नमस्कार। मेरा मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से जो मैं पूछना चाहूंगा और जिसके जवाब आपके काम से संबंधित ये प्रश्न हैं और आपके जो पैतृक काम है, जो बाजगी का जो काम है उससे संबंधित है। तो मैं भगत वर्मा जी आपके पास पहले आऊंगा। भगत वर्मा जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि जो गांव समाज के अंदर जो बाजगी ढाकी जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है? भूमिका जी हमारी ये रहती है कि पूरे समाज के अंदर, गांव के अंदर हम सारा काम करते हैं। उसमें है जी कि जैसे जीने से लेकर जी अगर कोई आदमी जीता है तो उसमें भी हम लोग आगे रहते हैं, मरता है जी तब भी हम लोग आगे रहते हैं हर काम के लिए। और पहले ये होता था कि जैसे बांटा ले जाना, चाणा जी बोलते हैं कि भाई आपको वहां जाना है, ये करना है, उस गांव में खबर पहुंचाना है, तो ये सारा काम जी हम लोग करते थे गांव समाज में। और फिर मंदिर में देवता की बात आएगी तो यहाँ भी महाराज की पूजा करते हैं, बजाते हैं, देवल बजाते हैं, पूजा बजाते हैं, ये काम भी जी हम लोग करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा कुमदास जी, जो बाजगी के जो कार्य हैं, जो काम होते हैं गांव में, किस किस्म का, पुराने काफी पुराने मैं भी देख रहा हूँ, काफी समय से हैं आप इसमें, क्या काम होते थे? अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, पुराने समय की बात करूं, तब की बात कर रहा हूं मैं। काम ऐसे होते हैं जैसे तुम्हारा समाज भी हो तो एक आधा गोरो होता हमारा डाकी का, तब तुम्हारा जो भी कुछ काम होता हूँ तो मोरो तो तुम आकाश है जीवन भी हूँ तो ते के भी हम आकाश है उनते, और त्यार बार हो तो ते के भी हम हूं। अच्छा बाटले भी बह जाते, बोई दू भी बह जाते, तो बाटा नहीं होते बोई दू बह जाते, तब को तुम हम खोता। भगत वर्मा जी, अगर मैं इस काम से गुजर बसर की बात करूं तो पहले किस तरीके से गुजर बसर चलता है? गुजर बसर चलता था जी, त्योहार होता था तो हम हमारे लिए त्योहार देते थे, एक रोटी चावल देते थे जी प्रति परिवार, 40-45 पर परिवार है जो भी है, तो एक एक रोटी और चावल वगैरह वो देते थे जी, तो उससे हम अपना गुजर बसर करते थे त्योहारों में। और बाकी देवता के कार्य होते थे जी, उसमें भी एक देवता की तरफ से भी और कुछ गांव की तरफ से भी मिलता था, जब हम बजाते थे देवता का ढोल बजाते थे, ढोल बाजा बजाते थे तो महाराज की तरफ से भी और गांव की तरफ से भी ये चीज मिलता था, थोड़ा इससे गुजर बसर होता था। कुमदास जी, मैं आपके पास आऊंगा कि पहले जो काम था वो कैसे था, किस तरीके से था, क्या उसमें परेशानियां वगैरह थी, और अब क्या जो चुनौतियां आ गई है नए जमाने की, अगर मैं बात करता हूँ तो आगे तो हमारे टाइम में ही तो पढ़ना लिखना भी कम था। अच्छा एला बैठ रो है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, पढ़ो इनते देवरे पांडे विकास नगर। अच्छा खर्चे पूरे नहीं होते, तुम चो खोश भी दे ना, अरे एला तब हमारे भी तुम तो काम कर ना कोड़ी। अभी इन्होंने बताई बात की मतलब खर्चे बढ़ गए हैं क्या, थोड़ा इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, आप आज के जमाने के आदमी हो। खर्च बढ़ गए जी, और बाहर अब ये लगा लो जी घर में, तो अब उस समय का टाइम कुछ और था, आज के टाइम ये जी कि बच्चे अच्छा जूता मांगता, अच्छा कपड़े मांगता है, अच्छा जी पढ़ाने के लिए इतना खर्चा हमारे पास है नहीं, अब इतने में काम चलता नहीं जी, जिन्होंने बताया अभी इस चीज काम चलता नहीं सर। तो आपका कहना है कि मतलब जो पहले दिया जाता था आपको जो है राशन संबंधित या कुछ और चीजें दी जाती थी उससे नहीं हो पा रहा है? कुमदास जी, आपने सियाणा की बात करी है कि सियाणा के साथ भी आपका एक अहम रोल रहता है, किस तरीके का कार्य रहता है सियाणा के साथ आपको? सियाणा के साथ ऐसा कार्य रहो जैसे कोई खत में कुछ भी बात हो गई, कोई से देवता आ गया या मीटिंग हो गई, तब ऐसा तब भेजो सियाणा पूरा, तब बोल दो सारे गांव दो भाई मीटिंग का आया, खुद बोल रहे हो जो मीटिंग का आया। अच्छा तब मुझे हम कैसे दे
नौ गांव दे एक और दो ही पाता दे मीटिंग कैसे हो जाए किच भी कतु के भी मीटिंग हो कुछ कहीं झगड़ा हो तो भी मीटिंग एत के तो पढ़ो जानो हम पूरा बोल दो आज पूरे खोती तो पढ़ो चौबीस गांव तो जानो तो बोठाई मीटिंग होते बोठो नोराई मीटिंग और जो मीटिंग होती है अभी आपने बात करी थी मतलब जैसा बोलूंगा सदर सियाणा और गांव का सियाणा इसमें फर्क है कुछ काम में फर्क काम है सर जो तो गांव का सियाणा तसका तो गांव का ही काम हो आज जो ये भी सदर सियाणा हो तसका ऐसा जो उसका खत का काम है भाई खत से कुछ खत में कुछ भी खत पुटा कुछ विवाद हो तो सर तीड़े टाटना ना वो तो उनका काम हो गया आप अपना काम बताइए ना उसमें तो मेरा काम है तो मुंह भी तब तो उसके साथ बोलो जानो तब आगे में तो सूचना देनी पूरी तब से जानो तब तो उसके साथ फिर जानो। कुमदास जी आज का जो ये जो काम है आपका आज के समय में क्या बदलाव आया है इसमें बदलाव है जरो है या लड़कोटे भी सब नीचे पड़ रहे इनते पड़ो आजा गोरे न जानी दे भाई हमारा देव या हमारे ठाकुर या हमारा कोई कमी हमारी भूमि हो अब एनते पोड़ो तीनों के साथ पोता ना जाए भाई घर में घोर का आओ हमारे बजाओ को बेसो जे अगले हम बजाओ पहला जो हमारे से बजाई ना मतलब क्यों नहीं बजा रहे हो बजाए सुनो तो पढ़े लिखे हो गए अच्छा दे जिमदार ना खोश ना दे बजाई हमारे लड़कोट ना आती मतलब उनका ये मानना है कि इससे कुछ मिल नहीं रहा है। भगत जी क्या मैं आपसे बात करूंगा किस तरीके से बदलाव आया है और क्यों आया है बदलाव जी अब आज के डेट में ना तो कोई हमारे जो बच्चे हैं ये भी नहीं इस काम को कर रहे कर्तव्य नहीं रहे जब बोल रहे कि आपको क्या फायदा हुआ इस चीज से आप इतने सालों से बजाते आ रहे जी जी इतने प्रोग्रामों में गए बाहर भी गए गांव समाज में भी किया और इसका जब कभी कहीं हमें तो आपको आपने कभी इसका हमें फायदा कुछ हुआ ही नहीं तो आप क्यों बजा रहे हम तो बजाते नहीं आप बजाते रहो हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब ये है जी कि ढोल है जी ढोल बिना कोई मरता उसको न दमना है उसको भी नहीं कोई मरता ढंग से अच्छा आजकल तो सारा इलेक्ट्रॉनिक वो आ गया जी सिस्टम सारा डीजे वाला सिस्टम आ गया गांव समाज के भी औरतें हो बुजुर्ग हो सारे डीजे पे नाच रहे हैं थोड़ी देर के लिए नाचते हैं उसके बाद बोलते हैं कि तुम ढोल बजाओ भाई ढोल पे कोई नाचता नहीं कोई गाना नहीं जानता बजा भी ले कोई गाना और टाइप दूसरे उसमें लगा रहे बजा कहीं और रहे तो ये चीजें मैं तो खुद अपने आप की एक बैंड मास्टर हूँ हमने हम भी तो पहले ढोली बजाते थे बजाते रहे आज तक भी लेकिन जब ये चला डीजे वाला सिस्टम तो हमने भी थोड़ा सा कैसियो वगैरह शादी पार्टियों में जाते हैं ये तो उसमें हम कैसियो बजाते हैं नाच गाना चलती है भी तभी या जब आप लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा बढ़ा लो सिस्टम को थोड़ा अच्छा लगेगा और भी अपना कल्चर को जो पीछे ले जा रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं लेकिन हम तो फिर भी लगे हैं हम तो फिर भी ये चाहते हैं कि हमारा कल्चर बना रहे जब आगे भी चलता रहे। भगत जी आपने एक बात बोली है बैंड पार्टी की आप कुछ कैस्ट्रो वगैरह बजाते हैं क्यों मतलब किस तरीके का आप ये काम करना पड़ रहा है ये इसलिए करना पड़ रहा है कि अब हमारा भी रोजी रोटी का सवाल है जी अब इस चीज से तो पूरा हो नहीं रहा था हमने जब नीचे भी देखा बैंड पार्टी वाले एक घंटे के लिए आते हैं जी एक घंटे के लिए आते हैं और 20,000 रुपए ले जाते हैं 25,000 रुपए और हम तो फिर भी गांव समाज के उससे चलो जो भी है ढोल भी हमारे पास है ढोल अपना देवता वाले ढोल है और बाकी सारे ढोल हमारे अपने हैं ढोल है जी कैसियो भी है रणसिंगा भी है उसमें सारी चीजें हैं लेकिन अब उसमें ये है सर कि इस चीज से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था फिर हमने सोचा कि ये बैंड पार्टी बना ली से थोड़ा हमको भी लेकिन हम फिर भी एक घंटे के लिए नहीं हम तो जी दो दो दिन तक भी इसमें काम करते हैं तब जाके हमें 12-15 हजार रूपए 20,000 रूपए मिलते हैं जो ये कार्य कर रहे हो जो ये आपने बदलाव की बात करी है कि मतलब इस तरीके से बैंड पार्टियां बनाई है आप लोगों ने क्या ये मतलब लगता है कि आगे जाके जो है इस तरीके से ये रह पाएगा या कुछ और भी बदलाव आने हैं इसमें या वापिस वही जो है जो हमारा हारुल तांदी वाले जो नृत्य थे वापिस उस पे आएगा कुछ क्या लगता है आपको जी आएगा जरूर आएगा सर आएगा तभी आएगा जी अगर हम इस चीज को उजागर रखेंगे तभी आ पाएगा नहीं तो आजकल तो जो डीजे और उस पे जा रहे हैं लोग कौन पूछता है
थोड़ी देर के लिए अपना जो है उसी पे डीजे पे नाच मुच के अपने, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि अपना जो हमारा ढोल है, हमारे तांदीगी, हारूल, झिंता, रासो, ये सारी चीज जो है लोग आज भी मांगते, भले चाहे देसी पेंट पार्टी लाओ चाहे कोई कैसा ही सिस्टम हो, लेकिन ये जो हमारे जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं ये फिर भी चलता है जी। इसमें सारी चीजें आती थी, झंता, हारूल, रासो वगैरह ये चीजें भी करना पड़ता। बहुत नाम लिया आपने अभी नृत्यों के, झंता, रासो, हारूल वगैरह काफी हुआ है जी, जी। क्या लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इन चीजों को, पुराने कल्चर को पसंद करते हैं? पसंद करते हैं जी इस चीज को, और कुछ लोग तो नहीं करते हैं, जो नई पीढ़ी है वो तो बोलते हैं क्या है, क्या बजा रहे हैं, उनको तो यही पता नहीं कि तांदी क्या है, हारूल क्या है। नई लड़की आज के इस चीज को नहीं समझ पा रहे जी, और समझ तब नहीं पा रहे क्योंकि हम इस चीज को कम कर दिया जी, कम इसलिए कर दिया सर, जब कुछ इसमें हमको कुछ मिलता ही नहीं, गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए जो सारी चीजें छूट रही है। जो पुराने जो कार्य थे क्या उन कामों से आप लोग संतुष्ट थे, संतुष्ट हैं मतलब अभी या नहीं जी? पहले तो संतुष्ट थे जब मिलता था, छोटा परिवार था, गुजर बसर उससे हो जाता था, लेकिन आज के डेट में तो ये है जी कि सब लड़के भी जवान हो गए, परिवार भी बढ़ गया, और फिर दिहाड़ी मजदूरी भी जी ज्यादा हो गई, तो इस चीज से हमारा कुछ इसमें गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। जिससे क्या चाहते हैं मतलब आप? अब ये चाहते हैं जी कि ताकि हमारा भी बच्चे थोड़े आगे पढ़े, आगे बढ़े जी, और हमको भी थोड़ा सा कुछ मिले कि भाई चलो गांव समाज से या कहीं से भी अब कुछ मिले इसमें। हम भगत वर्मा जी, ये जो काम है आपका, क्या ये जीविका चलाने के लिए पर्याप्त है या कुछ और भी कार्य करते हैं इसके साथ? और भी कार्य करना पड़ता है जिससे तो कहाँ होता है जी, हमें तो और कार्य करने पड़ते, अपना खेती बाड़ी का भी करना पड़ता है, और अपना जो बैंड पार्टी का काम है ये भी करते हैं जी, तब जाके जी दिहाड़ी मजदूरी भी करनी पड़ती है, तब इधर उधर से कमा के तब हमारा जीवन का ये हो जाता है। भगत वर्मा जी, आपकी जो नई पीढ़ी, आज की जो नई पीढ़ी है, ये इस कार्य को करना चाहती है या नहीं? करना तो चाहती है जी, करते भी है, जो देवता समाज के काम है, महाराज के काम है, करते हैं, बाहर पढ़ते हमारे बच्चों भी जब घर आते हैं तो करते हैं काम, इस काम को करते हैं जी, हम भी बोलते हैं कि बेटा कर लो, कोई अच्छी बात है, देवता का काम है, गांव समाज का काम है कोई, लेकिन अब जब इससे कुछ गुजर बसर नहीं हो पाएगा जी तो कैसे करेंगे, मजबूरी आदमी को बाहर जाना पड़ता है, नहीं करेंगे इसके बाद। कहने का मतलब ये धीरे धीरे ये जो चलन है, ये जो प्रथा है, ये जो कार्य है, खत्म होता जा रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको? खत्म हो जाएगा जिस तरीके से खत्म होगा, हमको भी बोलते हैं कि तुम भी मत करो इस काम को, क्या मिल रहा है इससे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि खत्म नहीं होना चाहिए, इतिहास आगे बढ़ता रहे, कल्चर हमारा तो और अच्छी बात है, हम तो ये क्या होना चाहिए, आपने बताया कि आगे बढ़ना चाहिए कल्चर, किस तरीके से कल्चर बढ़ेगा, थोड़ा बताओ उस बारे में। कल्चर इस तरीके से बढ़ेगा सर कि भाई हमको भी हमारा बच्चों के लिए भी खर्चा पानी सब कुछ होना चाहिए, और तभी आगे बढ़ेगा, अब इससे तो क्या होगा जी, उसी उससे चलते रहेंगे पीढ़ियों से, तो फिर उससे क्या होगा जी, आगे हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, हम तो वही के वही, हमने तो पता नहीं कितने प्रोग्राम किए जी, बाहर भी काम किया, कहीं 1200 ढोल ले गए हरिद्वार, वहां पे काम किया, वहां बजाए, तो हमको क्या मिला वहां से, कुछ नहीं, किराया भाड़ा मिला एक बार, बाकी लोग इसमें खा रहे, कोई 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 खा रहा, कोई कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा सर, हमें वही किराया भाड़ा मिल रहा है। आप तो आप बाहर भी गए हैं? आप बाहर भी गए? कहाँ कहाँ गए? हम लोग बाहर गए जी सर, आप कलकत्ता, उड़ीसा वगैरह। कौन ले गया था आपको? वहाँ ले गए जी, राणा जी ले गए थे, भगत सिंह राणा जी, उनके साथ गए, और अभी वहाँ गए, हरिद्वार गए जी, तो वहाँ पे शांति वर्मा वगैरह ये उन लोगों के साथ गए। तो जैसे आप बाहर जाते हैं तो क्या मतलब, कुछ फायदा हुआ आज तक आपको इसका? फायदा कुछ नहीं, जब हमको तो क्या फायदा, हम तो वहीं के वहीं जी, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मिलता है आपको उसका बाहर जाने का? बाहर जाने का जी यही है, किराया भाड़ा मिल गया, तो किराया भाड़ा था वो मिला जी, और बाकी एक क्या प्रमाण पत्र वगैरह मिला। अच्छा, एक ड्रेस मिली जी वहां से ना। भगत जी, ये जो काम है आपका, ये जो ढोल बजाने का, दमाना बजाने का, रंगशिंगा वगैरह तमाम चीजें, हाँ जी, इस काम को
किस तरीके से बचाया जा सकता है खत्म होने से? आपने कहा कि ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कोई नहीं करेगा आगे, किस तरीके से जो है इसको संजो के रखा जा सकता है? ये इसी तरीके से है कि जो ये हमारा हमारी कुछ दिहाड़ी मजदूरी कुछ बढ़ा के दे, या मजदूरी हो गई मेहनत, अब बच्चों को बोलते जो नहीं करते इस चीज को, बोलते हमको कोई इससे फायदा नहीं हो रहा, हमने क्या करना है इसको, तो इसलिए जो है तभी बच सकती है जी ये संस्कृति, अगर हम भाई हमारा मेहनत आना वगैरह बढ़ा के दे और कुछ आगे भी कोई हमारी बात सुने तभी जो है ये। कुमदास जी, किस तरीके से जो है इसको रखा जा सकता है, मतलब जिस तरीके से आप पहले से भी काम करते थे बड़ा अच्छा लगता था और आप इसके जानकार भी हैं, किस तरीके से इसको रोका बचाया जा सकता है? खत्म होने से सब पहुंचो जो तो जो बाणिया दे तो छे ही ना ए दिहाड़े दे तब पहुंच जाओ दे ले नु दिहाड़े तब पहुंची ना तब तब हम दूर पड़ते जानो। भगत जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? हाँ जी, संदेश ये है जी कि ये तभी बच पाएगी ये संस्कृति जी कि अगर भाई हमें भी हमको हमारे बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी कुछ मिले, अब इससे गुजारा बसर नहीं हो पा रहा जी, जो रोटी देते हैं बनी हुई रोटी और वो तो अगले दिन खराब हो जाती है जी, पहले कम आदमी थे वो खा जाते थे उसमें, अब परिवार बड़ा हो गया तो पूरा भी नहीं होता ना कोई इससे हमें फायदा हो रही, तो तभी बच सकता है जी, तभी अगर इसमें हमारा तो नुकसान और कुछ बढ़े इसमें दिहाड़ी मजदूरी तभी हो पाएगा जी, नहीं तो नहीं। इसमें राव जी के हमें कुछ प्रधान द्वारा ये कुछ मिले जी इसमें, और ये तो बल्कि गांव खत के चौकीदारी है, चैना जी के साथ भी जाते चौकीदारी भी करते हैं, और हम लोग भी आगे तभी काम करेंगे जी, बच्चे भी तभी काम करेंगे, और इसमें सरकार द्वारा या प्रधान जी कुछ अपने स्तर से कुछ इस चीज में हमारे कुछ हमारा कुछ ध्यान रखे जी, कुछ मिले इसमें तभी आगे के लिए जी जीवित रह पाएगी जी संस्कृति, नहीं तो नहीं रह पाएगी, इसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद भगत वर्मा जी, कुमदास जी।